हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम आर्या। मेरा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा जान लेते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या है? दोज केमिकल विच आर यूज टू किल द इंसेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, या ऐसा केमिकल जो कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, या किस किस कैटेगरी के हिसाब से कैसे? तो ये बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी के आधार पर होता है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री के आधार पर होता है इंसेक्टिसाइड क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर होता है, उनके केमिकल नेचर के आधार पर होता है, और मिसलिनियस कंपाउंड के अंतर्गत रखा गया होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि कितना केमिकल कितना टॉक्सिक है। तो टॉक्सिसिटी के आधार पर कितना टॉक्सिक है, तो टॉक्सिसिटी के आधार पर कितनी विषाक्तता है, तो इसमें आपका पहला बताया गया है एक्सट्रीमली टॉक्सिक, मॉडरेट, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक, स्लाइटली टॉक्सिक, क्रिटिकली टॉक्सिक, रिलेटिवली। इसमें चार ही मुख्य होते हैं, एक्सट्रीमली, हाईली, मॉडरेटली, स्लाइटली। अब इसका देख लेते हैं LD50 वैल्यू। इसकी LD50 वैल्यू लेस देन 5 होती है। इसकी LD50 वैल्यू, हाईली टॉक्सिक की LD50 वैल्यू 5 to 50 होती है। मॉडरेटली टॉक्सिक की LD50 वैल्यू 50 to 500 होती है, और स्लाइटली टॉक्सिक की LD50 वैल्यू 500 से लेकर के 5000 होती है, और प्रैक्टिकली टॉक्सिक की LD50 वैल्यू आपको 5000 से लेकर के 15000 होती है, और LD50 वैल्यू और रिलेटिव टॉक्सिक आपको होता है ग्रेटर देन 15000। तो हम देखते हैं LD50 वैल्यू अगर लेस देन 5 है तो एक्सट्रीमली, LD50 वैल्यू 5 से 50 है तो हाईली टॉक्सिक, LD50 वैल्यू 50 to 500 है तो मॉडरेटली टॉक्सिक, LD50 वैल्यू 500 to 5000 है स्लाइटली टॉक्सिक, LD50 वैल्यू 5000 से 15000 है तो प्रैक्टिकली टॉक्सिक, और LD50 वैल्यू आपका अगर 15000 से अधिक है तो रिलेटिव टॉक्सिक, रिलेटिव टॉक्सिक। हम देख लेते हैं सबसे पहले इस LD50 क्या है। LD50 मतलब लीथल, यल से लीथल से डोज 50, तो लीथल जो 50 का मतलब 50%, मतलब किसी भी पेस्ट की पॉपुलेशन को, पेस्ट पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं LD50 वैल्यू, लीथल डोज 50। अब आपका LD50 वैल्यू ये हो गया। अगर इसका पूछा जाता है कलर, पूछा जाता है कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक है तो किस कलर से इंडिकेट किया जाता है, इसका रेड कलर होता है, इसका येलो कलर होता है, इसका ब्लू कलर होता है, और इसका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो स्पेशली चार प्रकार के यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन हो गया। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री के आधार पर देखते हैं, तो ये पहला हो जाता है स्टमक पॉइजन, स्टमक पॉइजन, स्टमक पॉइजन हो गया। अब स्टमक पॉइजन ये क्या है, मोड ऑफ एंट्री लिख लेते हैं, मोड ऑफ एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो हम देख लेते हैं स्टमक पॉइजन, स्टमक पॉइजन है क्या है, ये ऐसा पॉइजन है जो इंसेक्ट के बॉडी में किसके जरिए पहुंचता है, थ्रू द फूड, फूड के जरिए इंसेक्ट की बॉडी में प्रवेश करता है। जैसे हम किसी केमिकल को प्लांट सरफेस पे स्प्रे करते हैं तो बाइटिंग चीविंग टाइप या टाइप का माउथ पार्ट वाला इंसेक्ट आता है, उस पार्ट को किल कर, पार्ट को अपने भोजन के रूप में यूज़ करता है। तो उस भोजन पे हमारा, मतलब उस प्लांट सरफेस पे हमारा केमिकल जो है कि सरफेस पे पड़ा हुआ है पहले से ही, तो वह प्लांट सरफेस के जरिए इंसेक्ट के
स्टमक में हो जाता है, और वहाँ पे जाके स्टमक में जा करके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, किल करता है। तो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही अपना जो कि टारगेट करता है, अपने कीटों के डाइजेस्टिव सिस्टम को ही टच करता है, ट्रैक्ट को ही नष्ट नष्ट करता है। इस प्रकार के पॉइजन को हम स्टमक पॉइजन बोलते हैं, स्टमक पॉइजन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए जो दवा आती है वो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस यूज़ की जाती है जाती है। इसके लिए किस यह इस प्रकार का केमिकल स्टमक पॉइजन के अंतर्गत जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, इसका प्रयोग हम बाइटिंग चीविंग बाइटिंग चीविंग टाइप माउथ पार्ट के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये आपका स्टमक पॉइजन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइजन। कॉन्टेक्ट पॉइजन ये ऐसा पॉइजन होता है, इस कॉन्टेक्ट पॉइजन इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके कॉन्टेक्ट में आने पर ही इंसेक्ट की बॉडी में असर दिखने लगता है, उनकी बॉडी डिजॉल्व होने लगती है। तो यह कॉन्टेक्ट पॉइजन इंसेक्ट की बॉडी में किसके जरिए प्रवेश करते हैं, ये इंसेक्ट की बॉडी में इंटेगुमेंट मेंट स्पायरेकल्स की सहायता से प्रवेश करते हैं, स्पायरेकल्स की सहायता से प्रवेश करते हैं। तो ये केमिकल कॉन्टेक्ट पॉइजन ये पियर्सिंग एंड शकिंग माउथ पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, माउथ पार्ट के लिए पियर्सिंग शकिंग टाइप माउथ पार्ट वाले इंसेक्ट को किल करने के लिए, मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉन्टेक्ट पॉइजन में एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं क्या आता है, फेनवर लेट आता है। दवा का हम यूज़ कर सकते हैं पियर्सिंग सेकेंड टाइप माउथ पार्ट के लिए, फेनवर्लेट नाम की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं, ये धुएं के रूप में या गैसीय अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे के रसायन होते हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं, और ये कीटों के बॉडी में उनके ट्रैकियल सिस्टम के जरिए, किसके जरिए, ट्रैकियल सिस्टम के जरिए उनकी बॉडी में प्रवेश करते हैं और कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्पेशली फॉर स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्यूमिगेंट जो है स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल जो दवा यूज़ की जाती है वो आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड प्रयोग किया जाती है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड प्रयोग किया जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं, सिस्टमिक पॉइजन। ऐसा पॉइजन सिस्टमिक पॉइजन क्या है, ऐसा पॉइजन जो इंसेक्ट की बॉडी में एक सिस्टम के रूप में प्रवेश करता है। जैसे इन सिस्टमिक पॉइजन क्या होता है, जब किसी केमिकल को हम स्प्रे करते हैं फील्ड में, तो यह प्लांट के सरफेस पे गिरता है या सॉइल में जाता है। तो प्लांट के सरफेस पे उनके जो क्यूटकिल होती है उनके ज़रिए उनसे पौधे के शरीर में प्रवेश करते हैं, रोम हेयर्स के जरिए उनके पौधे के शरीर में प्रवेश करते हैं केमिकल। या अगर सॉइल में गया होता है तो सॉइल के जरिए पौधे में उसके वेस्कुलर सिस्टम के जरिए पूरे बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंच करके पहुंचते हैं। और जब प्लांट के किसी भी सरफेस को, किसी भी पार्ट को, चाहे लीफ को या स्टेम को, जब कोई इंसेक्ट अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो वहाँ केमिकल उस लीफ में या उस स्टेम में पहले से ही पहुंच गया है। तो जब वह यूज़ करता है भोजन के रूप में लीफ को या स्टेम को,
स्टीम को, तब उनकी बॉडी में कीटों की बॉडी में प्रवेश करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं, या उनको इंसेक्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो इस प्रकार के केमिकल को हम सिस्टमिक पॉइजन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में दवा जो होती है मेटा सिस्टॉक्स प्रयोग किया जाती है। ये हमारा मॉडर्न पेंट्री समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।